हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली यूजुअल वीडियो से। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पबजी बैन के बारे में, जो इंडिया में बैन हो चुकी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, इसे आपको पता चलेगा पबजी बैन हुई है और जितने और 118 ऐप्स है चाइनीज ऐप्स। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखना। चलो पबजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पबजी जो है अब इंडिया में फाइनली बैन हो चुकी है इस ऐप से और इस गेम से। बहुत ही लोगों को लगाव था और मेरे को भी था और ऐसे बहुत लोग तो ओवर एडिक्टेड भी है। और पबजी का ऐसा सीन था कि क्योंकि गवर्नमेंट ने दो बार अब तक ऐसे किया है, पहले दो बार चाइनीज के बहुत सारे ऐप्स को निकाल चुकी है, बट हर बार जितने भी हम पबजी वाले थे वो लोग बहुत ज्यादा डरे से रहते थे कि कहीं पबजी का नाम तो नहीं है पूरी लिस्ट में। बट नहीं था, अब तक सारे खुश थे। और इवन पबजी ने भी, पबजी मोबाइल ने भी क्या किया था, अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज एंड काफी चीजें अपडेट करी थी टाइम के साथ साथ, जिससे कि वो लिस्ट में ना आए। क्योंकि पबजी का बहुत वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा चलती है, साथ ही साथ इंडिया में बहुत तगड़ा बेस है उसका, तो इसलिए उन्होंने भी किया था, उनकी तरफ से सारी कोशिश करी थी। बट फाइनली वो बैन हो चुकी है, चाहे वो पबजी हो या पबजी लाइट हो, वो भी बैन हो चुके है। साथ ही साथ 118 एप्स भी हो चुकी है पबजी से। अगर आपको प्रेस रिलीज के बारे में देखना है, जो आज की डेट में 2 सितंबर 2020 को हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट कर दे शेयर कर देता हूं उस प्रेस रिलीज का, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात पबजी की करूं तो मतलब पबजी को लेकर ना बहुत लोग जो इसे सैड होने वाले, चाहे वो ऑनलाइन स्ट्रीम करने वाले हमारे यूट्यूबर भाई हो या फिर नॉर्मल खेलने वाले लोग हो, बच्चे हो, मतलब सबको बहुत ही अच्छा लगता था। और इस लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा एक मतलब इंपॉर्टेंट टाइम पास करने वाला, और जो लोग खेलते भी नहीं थे ना, उन वो भी अच्छे खासे एक बार उनको भी आदत लग गई थी पबजी की, मतलब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया था लॉकडाउन में। तो ऐसे पबजी की बहुत तगड़ी बेस बन गई थी। बट कोई बात नहीं, बहुत ऑप्शंस है मार्केट में और नए नए गेम्स आएंगे भी, कोई बात नहीं, अभी के लिए सीओडी खेल सकते। और मैंने अभी भी चेक किया, पबजी चल रही है, कोई इशू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आज रात 12 बजे तक तो चलेगा शायद, उसके बाद इनके जो सर्वर है वो बंद कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट। तो आज रात तक हम खेलते सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं यार। आज जितनी अंदर की भड़ास है ना सारी निकालते हैं, गेम खेलेंगे, हेडशॉट्स लेंगे, चिकन डिनर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एंजॉय करते हैं। बाकी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया तो कंट्री फर्स्ट, सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे गेम्स आते रहेंगे और मैंने जैसे बोला सीओडी खेलते हैं या और भी बहुत सारे गेम्स हैं, तो उन पे ध्यान देंगे। बाकी जो 118 ऐप्स है इनको जरा देख लो, अगर आप में से कोई भी यूज करता है तो इनको जरूर अनइंस्टॉल कर लेना, बहुत ही बेकार है। तो और साथ ही साथ इस वीडियो को ना ज्यादा सारे लोगों के साथ शेयर करना प्लीज, जिससे कि उनको भी एजुकेशन मिले और वो भी एजुकेट होके, अगर वो ऐप्स वाले जो बैंड ऐप्स यूज करते हैं तो वो भी अवेयर होके अनइंस्टॉल कर दे, साथ ही साथ वो भी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके और पता चल जाए कि जो इतनी बड़ी चीज हुई है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा पबजी बैन हो चुका है, जितने 118 ऐप्स थे मैंने सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए। अब आप क्रॉस चेक करो और अपने दोस्तों को या फैमिली वालों को शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी एजुकेशन मिले कि जो जो चीजें बैन हुई है वो भी डिलीट कर पाए। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी हो, प्लीज सजेशन प्लीज कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने, मैं आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे कि उन्हें अवेयरनेस मिले। तो बस मिलते फिर ऐसे किसी बड़ी से वीडियो में, टिल देन बाय बाय।